संपर्क करने के लिए कहां था सड़क जी, और कौन से सड़क की स्थिति थी? सड़क में गड्ढा की गड्ढा में सड़क, यह स्थिति थी। और आज क्या हो गया सड़क का? अब लोग आजकल बोलते हैं कि सड़क टूट गया। अरे बाढ़ आ गया, प्रकोप आ गया, कुछ भी हुआ तो कोई चीज होगा तो उसका उपाय न किया जाएगा, उसको मरम्मत किया जाएगा ना, उसको ठीक न किया जाएगा। लेकिन आप जरा बताइए कितने बड़े पैमाने पर सड़क का निर्माण हुआ। हमको जब काम करने का मौका दिया, हमने लक्ष्य रख दिया कि राजधानी पटना पहुंचने में जो दूर दराज इलाके हैं वहां से भी चलकर पटना आने में, राजधानी आने में 6 घंटा से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, और लगभग जब वो पूरा हो गया तो अब हमने क्या लक्ष्य रख दिया है, 5 घंटे का। अब इसके लिए कितना पुल, सड़कों का चौड़ीकरण, नए सड़कों का निर्माण, कितना काम हो रहा है। केंद्र की तरफ से भी कई योजनाएं, नेशनल हाईवे का है, लेकिन राज्य की तरफ से भी कितना काम हो रहा, स्टेट हाईवे और सड़कों का निर्माण। अब आप समझ लीजिए 2005 से लेकर के अब तक 6,047 पुलों का निर्माण किया गया, जिसमें 18 मेगा पुल शामिल है। बड़ी संख्या में इसके अलावे पुलियों का निर्माण किया गया। और पथ निर्माण विभाग में 2005 से अब तक राज्य योजना के अंतर्गत कुल जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो खर्च किया गया है 54,461 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई पथ के निर्माण के लिए। और हमने तो नियम बना दिया सिर्फ पथ का निर्माण नहीं, उसका अनुरक्षण, मेंटेनेंस नियमित रूप से होना चाहिए। और अब तो उसको लोक शिकायत अधिकार कानून में भी डाल दिया है कि अगर कहीं पर कोई सड़क है उसका अगर कोई मरम्मत नहीं करेगा, कोई शिकायत करेगा, उसको तो ठीक किया ही जाएगा, इसके लिए जो जिम्मेवारी है उस पर भी कार्रवाई होगी। तो हम लोग एक एक चीज कर रहे हैं, उस तरह से पुल के मरम्मत के लिए हर चीज के लिए नियम बनाना, मार्गदर्शन देना, उसके लिए संसाधन का प्रबंध करना, ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन पहले क्या था भाई, अब उसकी स्थिति जान लीजिए, पहले की स्थिति और आज की स्थिति। हम तो सब साथियों को कहेंगे कि नई पीढ़ी वालों को बताइए, वो बच्चे थे उनको पता नहीं था, अब आज 18 हो गए, 19 हो गए, एक एक बात पुराना बताइए। और ये बहुत जरूरी है, अगर ये चीज लोग नहीं जानेगा तो फिर गड़बड़ लोगों के चक्कर में अगर पड़ जाएगा तो फिर जितना काम हम लोगों ने किया सब ध्वस्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसको एक एक काम को करना, एक एक काम को देखना, हमने पूरा का पूरा समय लगाया, हमारे साथियों ने समय लगाया और तब ये सब काम हो रहा। ग्रामीण सड़क क्या था जी, ग्रामीण सड़क में पहले कितना था, ग्रामीण सड़कों की लंबाई मात्र 835 किलोमीटर थी हम लोगों के आने के वक्त तक, और अब कितना हो रहा है, अब जान लीजिए 2005 से अब तक 96,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूर्ण किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 52,480 किलोमीटर, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 6,795 किलोमीटर, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत 33,399 किलोमीटर, ग्रामीण टोला संपर्क योजना के निश्चय योजना के अंतर्गत 3,826 किलोमीटर, और इसके अलावे 18,838 किलोमीटर सभी प्रकार के ग्रामीण सड़कों पर काम जारी। अभी कुछ दिन पहले इसके बारे में पूरा विस्तार से उन सड़कों का उद्घाटन हो रहा था, उसके बारे में चर्चा हो रही थी, हमने एक एक बात बताई। और ग्रामीण सड़कों पर 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया गया है। अब ग्रामीण जो टोला संपर्क निश्चय योजना है इसमें 4,643 टोला था, हम लोग तो हर गांव को सड़क से जोड़ना है जोड़ दिया, लेकिन उसमें बाद में पता चला, यहीं पर बैठे हुए विजय बाबू, इन्होंने इस बात को रखा और कहा कि भाई कई टोले हैं वो गांव उसका नाम नहीं है तो वहां पर सड़क नहीं जाता है। और सचमुच उसका आकलन हम लोगों ने किया, सब गरीब गुरबा तबका के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़े वर्ग के लोग वैसे टोलों में, गांव उसका अलग नाम नहीं है, टोला है, गांव को जोड़ दिया वो रह गया, लोगों को कितनी तकलीफ। तो हम लोगों ने 7 निश्चय में इसको भी डाला, ग्राम टोला संपर्क योजना
इसको 16 संपर्क निश्चय योजना किया और जिसके लिए किलोमीटर हम आपने आपको बता दिया, लेकिन यह है 4643 टोला और अब तक 4457 टोला में पथ का निर्माण